सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम फिर से इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इससे पहले हम बात करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने जाना था समुद्रगुप्त के विषय में, हमने जाना कि किस तरीके से उसने अपने शासन को बढ़ाया और किस तरीके से गुप्तकाल के एक स्वर्ण युग के जो एक नींव की ईंट उसने रखी, उसके बाद शासन करता है रामगुप्त। रामगुप्त एक कायर और विलासी व्यक्ति होता है और एक बिल्कुल कायरतापूर्ण संधि के कारण वो उसकी हत्या कर दी जाती है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, यानी कि जो उसका छोटा भाई होता है उसके द्वारा हत्या करने के बाद वो शासन करता है स्वयं, यानी कि अब गद्दी पर वो खुद बैठ जाता है। और इसके बाद शुरू करते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के विषय में। जब वो गद्दी पर बैठ जाता है तो उसके बाद वो किस तरीके से सिंहासन करता है हम जानेंगे इस वीडियो में, उसकी विजयों के विषय में। और उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से उसकी शासन व्यवस्था रही है, किस तरीके का उसका चरित्र रहा है, और हम जानेंगे उसके उत्तराधिकारियों के विषय में, यानी कि कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के विषय में। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण चीज के विषय में हम जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन था। इसने जो लगभग शासन किया था वो शासन किया था 375 से 414 तक। इसके बाद क्या होता है, जब ये शासन करता है अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है, क्योंकि उसने एक बहुत ही शर्मनाक संधि की होती है शकराज से और अपनी पत्नी ध्रुव देवी को ये उसे दे देता है। इस बात से चंद्रगुप्त बहुत ही खिन्न होता है, उसे ये बात सहन नहीं होती है। उसके बाद वो रामगुप्त की हत्या करता है, शकराज को हराता है, ध्रुव देवी से शादी करता है और उसे अपनी पत्नी बनाता है। उसके बाद ये क्या करता है, सम्राट का पद ग्रहण करता है और ध्रुव देवी को महादेवी का पद प्रदान करता है। अब बात करते हैं कि जब ये शासन करता है तो इसके नाम के विषय में कुछ नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे सांची का लेख है। सांची के लेख में इसके नाम का उल्लेख मिलता है महाराजा धीराज श्री चंद्रगुप्त देवराज इति प्रियम नाम। अब इस बात का उल्लेख अगर हम करें तो इससे क्या पता चलता है कि इसका दूसरा नाम देवराज भी था, यानी कि देवराज के नाम से ये जाना जाता था। एक चामुक वाले वाकाटक का शिलालेख है जिसमें इसका तीसरा नाम मिलता है, जिसमें उसका नाम लिखा होता है देवगुप्त। अब ये बात की पुष्टि होती है कि इसके तीन नाम थे, चंद्रगुप्त नाम से भी जाना जाता था, देवराज नाम से भी जाना जाता था और देवगुप्त नाम से भी ये जाना जाता था। इसकी दो रानियां थी, एक तो रानी का नाम था कुबेर नागा, जिससे उत्पन्न पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। दूसरी रानी का नाम था ध्रुव देवी, जो कि रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। और ध्रुव देवी से दो पुत्रों का जन्म होता है, जिसमें एक होता है कुमारगुप्त और दूसरा पुत्र होता है गोविंद गुप्त। तो दो पुत्रों का को जन्म देती है ध्रुव देवी। इसके बाद जो ये प्रभावती होती है, प्रभावती का विवाह हो जाता है वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय से। यहाँ पर विवाह ये अपनी पुत्री का करता है, वाकाटक नरेश का जो होता है उससे, तो वो था रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय से ही अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह कर देता है। अब बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में क्या इसकी विजय रही है। इसने एक दिग्विजय अभियान चलाया था। दिग्विजय अभियान था तो इसके अंतर्गत, यानी कि इसमें वो सभी गुण विद्यमान थे जो कि गुण इसके पिता समुद्रगुप्त में थे। समुद्रगुप्त भी धैर्यशील था, बहुत ही पराक्रमी था। इसी तरीके का व्यवहार इसका चंद्रगुप्त का था, धैर्यशील था, पराक्रमी था, कूटनीतिक था, राजनीतिक था। तो सभी एक अच्छे शासक के गुण चंद्रगुप्त द्वितीय में भी दिखाई देते थे। लेकिन ऐसा है कि जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो जो सीमांत के राजा होते हैं उसकी मृत्यु के बाद, यानी कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद, वो राजा स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगते हैं।
और उसके बाद अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद ये क्या करते हैं, चंद्रगुप्त को ये हराने का प्रयास करते हैं। अब चंद्रगुप्त हथियारों के माध्यम से यानी कि अस्त्रों के माध्यम से युद्ध की एक योजना रचना बनाता है और फाइनली जब इनके बीच में युद्ध होता है उसमें विजयी होता है चंद्रगुप्त। इसके बाद जो एक समरी थी ये किस तरीके से काम करता है, क्योंकि जब सहसी समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है सबको लगता है कि अब गुप्त शासन को समाप्त करना आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम ये करता है गणराज्यों के अंत से संबंधित, ये सबसे पहले करता है गणराज्यों का अंत, यानी कि जो विदेशी राजा होते हैं ये विदेशी राज्यों और गुप्त साम्राज्य के बीच में मद्रगण से लेकर दक्षिण में खरपरिक गण तक छोटे छोटे बहुत सारे गणराज्य स्थित होते हैं। कहां से लेकर? मद्रगण से लेकर, मद्रगण से लेकर खरपरिक गण तक। तो खरपरिक गण तक बहुत सारे गणराज्य बीच बीच में स्थित होते हैं। ये सारे गणराज्य स्वतंत्रता चाहते हैं यानी कि स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन शक्ति संगठित नहीं होती थी जिस वजह से ऐसा प्रयास नहीं कर पाते, किसी भी बाहरी आक्रमण का ये सामना नहीं कर पाते थे क्योंकि संगठित शक्ति नहीं थी। अब इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाया चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त इन पर आक्रमण कर देता है क्योंकि ये संगठित थे नहीं। चंद्रगुप्त इन गणराज्यों पर आक्रमण कर देता है और उनको पराजित कर लेता है और अपने साम्राज्य में उनको मिला लेता है। अब बात करते हैं दूसरी इसकी महत्वपूर्ण, वो है कि इसने जो विधर्मी शक थे उन शकों का अंत किया। इसने क्या किया, अवंती से लेकर सौराष्ट्र तक का जो क्षेत्र था वो शक क्षत्रपों का क्षेत्र था। अब ये क्या करता है, रुद्र सिंह तृतीय वहां जो शक के जो एरियाज होते हैं वहां पर वो शासन कर रहा होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय रुद्र सिंह तृतीय पर आक्रमण कर देता है और रुद्र सिंह तृतीय इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाता और वो पराजित हो जाता है। जब शक राजा पराजित हो जाता है तो पराजित होने के बाद पश्चिम के गुजरात में लगा लीजिए काठियावाड़, मालवा, राजपूताना, ये सारे प्रदेश पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो जाता है। और जब वो शकों को पराजित करता है तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष में वो एक उपाधि धारण करता है और वो होती है शकारी, यानी कि उसे शकों को पराजित करने के बाद शकारी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी जो महत्वपूर्ण विजयों में तीसरी विजय थी, पूर्वी राज्यों का इसने उन्मूलन किया। पूर्वी राज्यों के उन्मूलन का जो उल्लेख मिलता है, जो मेहरौली का लोह स्तंभ है, उससे पता चलता है कि जो बंगाल में समतट, दवाक और कामरूप के राजा चंद्रगुप्त के विरुद्ध एकत्रित होते हैं और एक संगठन बनाने का प्रयास करते हैं, ये बात पता चल जाती है चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त अपनी सेना लेकर वहां पर पहुंचता है और उन सबको, यानी कि जो उन्होंने संगठन बनाया था उन सबको वो हरा देता है, संगठन का अंत कर देता है। और इस विजय के बाद उसकी जो साम्राज्य की सीमा है वो असम तक पहुंच जाती है। अब बात करें उसकी पश्चिमोत्तर विजयों की, पश्चिमोत्तर भारत पर वो किस तरीके से अधिकार करता है। तो पश्चिमोत्तर भारत पर गांधार है, कंबोज है और मुरुंडो है जिन्हें कुषाणों का संहार किया और वाहलीक देश पर उसने विजय प्राप्त की। तो मेहरौली जो लौह स्तंभ है उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त सिंधु के, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के सातों मुखों को पार करता है और वाहलीकों को जीतता है, यानी कि वाहलीकों को हरा देता है। जो वल्क प्रदेश है वही वाहलीक कहा जाता है, कहीं कहीं उसे वल्क प्रदेश लिखा है, तो दोनों का एक ही मीनिंग है, यानी कि वल्क प्रदेश को ही वाली कहा जाता है। अब इस तरीके से उसका अधिकार हो जाता है इधर पंजाब पर और उधर सीमांत प्रदेशों पर, सब पर अधिकार हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसके बाद जो शकों और कुषाणों को हरा देता है, शकों और कुषाणों को हराने के बाद वो उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य की। इसके बाद वो यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता है। जो सोमवेद है, सॉरी सोमदेव है, सोमदेव ने एक रचना की है जो है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर, उसमें पाटलिपुत्र के राजा विक्रमादित्य का उल्लेख है। कथा सरित सागर ध्यान रखिएगा किसने लिखा है, तो सोमदेव ने इसको लिखा है।
अब बात करते हैं उसकी दक्षिण विजयों की। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, और इधर अब हम बात करते हैं दक्षिण विजयों की। दक्षिण विजयों के अंतर्गत जब रामगुप्त के शासनकाल में दक्षिण के राजाओं ने जो उपहार देने थे वो उपहार देने बंद कर दिए थे, जो कि समुद्रगुप्त के टाइम पे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वो वार्षिक उपहार और कर देंगे, लेकिन जैसे ही समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है और रामगुप्त शासन पर बैठता है, शासन करता है, सिंहासन पर बैठता है, ये जो दक्षिण के राजा थे इन्होंने वो कर देने और उपहार देने बंद कर दिए। इस बात का उल्लेख मेहरौली लौह स्तंभ में है। तो चंद्रगुप्त ने उन्हें फिर से अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, यानी कि उन्होंने फिर से चंद्रगुप्त द्वितीय की अधीनता स्वीकार की और पुनः दक्षिण में गुप्तों की सत्ता की वहां पर स्थापना होती है। इसी नीति को बढ़ाने के लिए कि कहीं भविष्य में दक्षिण के जो राजा हैं फिर से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना करें, ये उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, जिससे कि इसे भविष्य के लिए कहीं ना कहीं एक आश्वासन मिल जाता है कि उसकी सीमाएं एक तो सुरक्षित रहेंगी और ये लोग किसी तरीके का भी आक्रमण नहीं करेंगे। तो इसमें जो कुबेर नागा इसकी पत्नी है वो कुबेर नागा नाग वंश की ही थी। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, अलग अलग उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। और इसमें अभी हमने पढ़ा कि रुद्रसेन द्वितीय से ही अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। तो जो इस बात का, जो इसने रुद्रसेन से अपनी पुत्री का विवाह किया, वाकाटक लोगों का जो पूना ताम्रपत है पत्र है उससे पता चलता है इस पुत्री के विवाह के संबंध में जो उल्लेख किया गया है। अब बात करें आगे कि इसका साम्राज्य विस्तार कहां तक था। तो चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी समुद्रगुप्त द्वितीय की तरह विजय अभियान भी चलाए थे और विजय का वर्णन भी किया था, तो इसके अगर शासन की हम बात करें तो उत्तर में हिमालय पर्वत से लेके दक्षिण में नर्मदा तक, ठीक है, यहां हिमालय से लेकर इधर दक्षिण में नर्मदा तक, और उधर पूरब में बंगाल से लेकर इधर असम हो गया और ये सारा क्षेत्र हो गया, और इधर सौराष्ट्र तक इसका एरिया फैला हुआ था। यानी कि वर्तमान भारत का, अगर सपोज ये भारत है इस तरीके की संरचना अगर हम मान ले, तो वर्तमान भारत का जो बिल्कुल मिडिल वाला एरिया बचता है वो पूरी पट्टी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गई थी। अब बात करते हैं हम कि जो अश्वमेध यज्ञ इसके द्वारा किया गया था, एक ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ में एक चंद्र, एक मूर्ति मिली है जिसमें घोड़े की मूर्ति है और उस पर लिखा है चंद्रक, जिसके आधार पर कहा जाता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब बात करते हैं हम इसकी शासन व्यवस्था की। शासन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो चीनी यात्री है फाहियान, वो फाहियान ये कहता है कि जो गुप्त यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासन व्यवस्था है वो इतनी कुशल शासन व्यवस्था है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई झोल नहीं है, किसी भी तरीके का कोई ऐसा बिंदु नहीं मिलता है जिससे साम्राज्य को कोई हानि हो या उसका पूरे तरीके से प्रशासन ना किया जा रहा हो। तो उसी क्रम में सबसे पहले वो बांटता है इसे केंद्रीय शासन के अंतर्गत। केंद्रीय शासन के अंतर्गत कहता है कि केंद्रीय शासन में मंत्री परिषद होती है, जो मंत्री परिषद काम करती है एक सम्राट को सलाह देने का, उसके शासन के कार्यों में सहायता करने का, और जो शासन की संपूर्ण शक्ति होती है वो सम्राट पर ही होती है। सम्राट स्वेच्छाचारी होता है लेकिन मंत्री परिषद उसकी सहायता करती है। अब मंत्री परिषद का जो भी प्रधान होता है उसे कहा जाता है प्रधानमंत्री, और जो मंत्रियों का परामर्श लेना और जो ये पद होता है ये पद इनका हो जाता है यहाँ पर पैतृक। मंत्री परिषद के जो पद हैं वो पैतृक, मंत्रियों के पद की हम बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो मंत्री परिषद के बाद नाम आता है वो आता है सामंतों का। सामंत महाराज की उपाधि धारण करते थे, छोटे छोटे सामंत तो होते थे, इन्हें महाराज की उपाधि दी जाती थी और गुप्त आज्ञा पत्र को स्वीकार भी ये करते थे। अब बात करें तीसरे नंबर पर हम राज पदाधिकारियों की, तो राज पदाधिकारियों के अंतर्गत 18 पदों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सबसे पहला है कुमारामात्य। कुमारामात्य यानी कि इसे कुमार मंत्री कहा जाता था,
कुमारामात्य, इसे कुमार मंत्री कहा जाता था। और दूसरा होता था महासेनापति। महासेनापति का काम होता था सेना विभाग का एक अधिकारी होता था महासेनापति, जिसे बोला जाता था। तीसरे नंबर पर आता था रणभंडागारिक, यानी कि इसका काम होता था कि सेना के निरीक्षण विभाग का काम जितना दायित्व था वो इसके अंतर्गत था। उसके बाद आता था महाप्रतिहार। महाप्रतिहार का काम था महल की सुरक्षा करना। महाप्रतिहार महल की सुरक्षा करता था। उसके बाद भटाश्वपति पैदल और घुड़सवारों की सेना का अध्यक्ष होता था। दंडपाशिक पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता था और भंडागाराधिकृत होता था, जो वो कोषाध्यक्ष होता था। स्थपति सम्राट जिसे कहा जाता था वो स्त्री विभाग का अध्यक्ष होता था। इसी में आगे थे सर्वाध्यक्ष शालके, गौल में महाक्ष पटलिक और पुस्तपाल गोप होते थे जो ग्रामों के आय व्यय का देखरेख करते थे। अग्रहारिक होते थे जो दान विभाग का जो देखरेख है वो दान विभाग की देखरेख करते थे। करणिक होते थे जो आधुनिक रजिस्ट्रार की तरह काम करते थे। और लेखक या दिविर होते थे जो आधुनिक लिपिक हैं या क्लर्क हैं उनकी तरह सारे नोटिफिकेशन का काम करते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रांतीय शासन की, कि प्रांतीय शासन किस तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चला। तो यहाँ पर जो प्रांत थे उनको भुक्ति या देश शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि इन नामों से उसे जाना जाता था। अब इसमें क्या होता है, जो गुप्तकालीन अभिलेख मिलते हैं तो गुप्तकालीन अभिलेखों में सौराष्ट्र भुक्ति, वर्धमान भुक्ति, अवंती भुक्ति, एरण भुक्ति और तीर भुक्ति, ऐसे कुछ नाम मिलते हैं। अब भुक्ति के शासक को बोला जाता था उपरिक, इसे कहा जाता था उपरिक। और इस बात का उल्लेख मिलता है जो दामोदर ताम्रपत्र से और वैशाली के मुद्राओं से। अब प्रांत का जो शासन किया जाता था, यानी कि प्रांतपति जो होते थे वो राज परिवार से ही संबंधित होते थे, यानी कि यहाँ जो प्रांतपति होते थे, जो मुख्य होता था प्रांत का, वो राज परिवार से ही संबंधित व्यक्ति होता था। और शासन में मंत्रणा देने के लिए भी यहाँ पर एक मंत्रिमंडल होता था जो इसको इस शासन व्यवस्था के लिए मदद करता था। अब इसके बाद बात करेंगे हम विशेष शासन की। विशेष शासन का मतलब जो ये भुक्ति होती थी इसके अंतर्गत कई विषय आते थे। जो इसका हेड होता था, यानी कि विषय को आप एक तरीके से समझ सकते हैं जिले के रूप में, तो भुक्ति के अंतर्गत कई जिले आते थे। इसका जो शासन करता था इन पर वो बोला जाता था विषयपति। अब विषयपति का जो केंद्र होता था वो नगर ही होता था, और जो वो नगर क्षेत्र कहलाता था उसे नाम दिया गया था अधिष्ठान। इसके बाद इसके कार्यालय को अधिकरण कहा जाता था। एक कल्पना आप डीएम के रूप में यहां पर कर सकते हैं, जैसे डीएम वर्तमान में काम करता उसी तरीके से विषयपति भी कार्य करता था। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे मंत्रियों के नाम मिले हैं, जैसे विषयपति की जो कार्य अवधि होती थी कम से कम 5 वर्ष के लिए अवधि निर्धारित की गई थी कि 5 वर्ष के बाद विषयपति को बदला जा सकता था। एक विषय के शासक और उसके मंत्रिमंडल के कुछ नाम मिले हैं, जैसे कुमारामात्य है, नगरश्रेष्ठी है, सार्थवा है, तो इनमें से अलग अलग पदों पर अलग अलग नाम मिले हैं, जैसे नेत्रवर्मन मिला है, धृतिपाल, बंधुमित्र, धृतिमित्र, इस तरीके के कुछ नामों का वहां पर उल्लेख है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्राम शासन की। ग्राम शासन की अगर हम बात करें तो जो विषय होते थे इनके अंतर्गत, यानी कि जो एक जिले होते थे उनके अंतर्गत कई ग्राम आते थे। ग्रामों का जो अधिपति होता था उसे कहा जाता था ग्रामिक या महत्तर कहा जाता था। और छोटी सी सभा होती थी जिसमें पंचायत होती थी या पंचमंडली होती थी, जो आपस में सलाह मशवरा करती थी और उसके बाद अलग अलग तरीके से निर्णय का काम वहां पर ये करती थी। छोटे स्तर पर छोटे मोटे मामलों को सुलझाने का ये काम भी करते थे। इसके बाद यहाँ पर आती है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था बहुत ही यहाँ पर जबरदस्त थी, कहना चाहिए कि बहुत ही उन्नत तरीके से इनकी इस समय की न्याय व्यवस्था थी। 4 प्रकार से न्याय का उल्लेख मिलता है। एक उल्लेख मिलता है राजा का, दूसरा उल्लेख मिलता है पूग का, तीसरा उल्लेख है यहाँ पर श्रेणी का और चौथा उल्लेख है कुल का।
तो दो तरीके के हमें उल्लेख मिलते हैं, यानी कि न्याय चार प्रकार से किया जाता था। पहला ये, लेकिन बृहस्पति के कथन के अनुसार चल अचल शासक द्वारा नियुक्त न्यायकर्ता न्याय करता था, दूसरा न्यायकर्ता था स्वयं राजा, और एक क्या होता था अचल होता था और एक होता था चल। तो ये चार तरीके के न्याय यहां पर किए जाते थे, अचल चल राजा और न्यायकर्ता के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर प्राण दंड नहीं दिया जाता था, कोई शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। यदि बार बार कोई व्यक्ति दंड अपराध कर रहा है तो उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता था, अन्यथा आर्थिक जुर्माना बढ़ा दिया जाता था। इस तरीके से यहाँ पर दंड की व्यवस्था थी। अब अगर बात करें तो उस समय आय के क्या स्रोत थे, तो आय के स्रोत जो थे वो कर, जैसे भूमि कर है, तो भूमि कर आय का मुख्य स्रोत था। उल्लेखों में इसे उद्रंग भी कहा गया है और भाग कर भी कहा गया है, तो भूमि कर को इन नामों से भी वहां पर जाना जाता था। जो राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का चतुर्थांश यहाँ पर देना पड़ता था कर के रूप में, और अगर कोई ऐसी स्थिति आती थी फसल खराब हो जाए तो उस समय भूमि कर में छूट भी मिल जाती थी। दूसरा जो आय का मुख्य स्रोत था वो था चुंगी, या व्यापार के लिए जो वस्तुएं लाई जाती थी उन वस्तुओं के आधार पर यहाँ पर आय की अर्जित की जाती थी। जैसे चारागाहों से हो गया, वनों से हो गया, नमक से हो गया, या अन्य व्यापारिक वस्तुओं के आधार पर जो भी धनराशि अर्जित की जाती थी वही यहाँ पर आय के मुख्य स्रोत थे। यहाँ पर जो उस समय के लेख हैं उनमें बेगार का भी उल्लेख मिलता है, हालांकि इससे संभवतः ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये बेगार भी एक प्रकार का कर रहा होगा। अब बात करते हैं कि विक्रमादित्य जो था उसका चरित्र कैसा था। इतना जितना हमने पढ़ा है इसके आधार पर यदि हम स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढे तो मुझे लगता है कि हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात, वो एक महान विजेता था। वो वैसा ही विजेता था जैसा उसके पिता में गुण थे, यानी कि समुद्रगुप्त की तरह ही उसने बहुत सारे विजय अभियान चलाए, और वो इतना वीर था कि युद्ध मैदान छोड़कर नहीं भागता था। उसने शकों को पराजित किया, उसने कुषाणों को पराजित किया, तो ये एक महान विजेता के जो गुण होने चाहिए वो सब उसमें थे। एक कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ इसलिए था, उसे लगता था कि दक्षिण के जो राजा हैं वो कहीं भविष्य में किसी तरीके का विद्रोह ना कर दें या युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना कर दें, तो वो कूटनीति ये चलता है कि उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है, अपनी पुत्री का विवाह भी वहां करता है, और वहां से एक जो उसकी पत्नी होती है वो भी वहां से, वो दक्षिण की ही होती है, उसके साथ वो वहां से कुबेर नागा ज्योति विवाह करता है। अब बात करें महान शासक के रूप में, उसकी शासन व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि किसी भी प्रकार का दंड प्रावधान विशेष नहीं था, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाएं नहीं होती थी और प्रजा उसके शासन काल में सुखी थी। अब बात करें साहित्य की, साहित्य के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो उसने अपने दरबार में 9 विद्वानों को रखा था जिन्हें वो बोलता था नवरत्न, उन्हें नाम दिया था उसने नवरत्न का। उनमें कौन कौन थे? विशाख दत्त थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये किसके टाइम पीरियड में थे। जैसे विशाख दत्त थे, कालिदास थे, धनवंतरी और वीरसेन, तो ये ऐसे लोग थे जिनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। तो जो कालिदास, विशाख दत्त और ये सब थे, ये इनके विषय में तो हम जानते ही हैं, हम वीरसेन के विषय में जान लेते हैं। वीरसेन व्याकरण, साहित्य, न्याय और लोक नीति के प्रकांड विद्वान थे। विशाख दत्त, कालिदास, ये बहुत ही उच्च कोटि के लेखक थे। इन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा। संस्कृत भाषा की इस काल में विशेष उन्नति होती है क्योंकि साहित्य जो लिखा गया वो संस्कृत भाषा में भी लिखा गया। अब बात करते हैं उदार और सहिष्णुता संबंधी एक गुण की, जो कि एक शासक में होना बहुत जरूरी है। उदार भी था और सहिष्णु भी था। एक गढ़वा शिलालेख है जिससे पता चलता है कि ये इसने भागवत धर्म को अपनाया था, लेकिन इसकी उदारता और के
के जो उल्लेख मिलते हैं वो सांची के शिलालेख से भी मिलते हैं, जिससे प्रकट होता है कि बौद्ध धर्म के जो मतावलंबी होते हैं उसको ये अपना सेनापति भी बनाता है। उसका नाम था अम्रकाद्रव। और इसी तरीके से कुछ 25 स्वर्ण मुद्राएं हैं जो इसने दान में दी थी। चंद्रगुप्त की तरह इसने यज्ञ भी किया, दान भी किया और वैदिक कर्मों की में भी इसकी आस्था थी। इसी के टाइम में जो ये कालिदास है, ये कालिदास रघुवंश की रचना करते हैं। ये यहाँ पर छूट गया था तो इसलिए आपको यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं। रघुवंश की रचना जो होती है इसी के लगभग टाइम पीरियड में होती है। और रघुवंश में बहुत ही प्रशंसा की गई है कालिदास के द्वारा विक्रमादित्य की। अब बात करते हैं हम कि विक्रमादित्य के बाद, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो फाहियान है, एक चीनी यात्री का छोटा सा विवरण यहाँ पर दे देते हैं हम। फाहियान है, फाहियान यहाँ पर आता है लगभग 399 के से लेकर 414 तक, ठीक है। अब वो क्या कहता है, अगर फाहियान के विषय में जाने, फाहियान का पहला नाम कुंग था, उसके बाद इसका नाम फाहियान हो जाता है जब ये प्रवज्य धारण कर लेता है। और चीनी भाषा में अगर बात करें, फा का मतलब होता है धर्म विधि, हियान का मतलब होता है आचार्य, यानी कि धर्म विधि का आचार्य या रक्षक। और अगर अपनी भाषा में फाहियान के मतलब की बात करें तो उसका मतलब हो जाता है यहाँ पर धर्मगुरु। तो बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे प्रदेशों में वो जाता है। और उसके बाद जो बौद्ध धर्म से, सॉरी, गुप्त धर्म से संबंधित वो जो यहाँ पर विवरण लिखता है उसमें उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बहुत ही प्रशंसा की है। और जगह जगह हम उल्लेख कर लेते हैं जब हम पढ़ते हैं कि जैसे फाहियान के द्वारा क्या कहा गया या उसने क्या अच्छी चीजें यहाँ पर देखी। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर संक्षिप्त रूप में बोलें तो फाहियान कहता है कि प्रजा बहुत ही यहाँ पर खुश है, चारों ओर सुख शांति है, साम्राज्य बहुत विस्तृत है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी है, चांडाल आदि के अलावा कोई मांस वगैरह का सेवन नहीं करता। तो इस तरीके से उसने वहां पर विवरण दिया है। अब बात करते हैं जब इसकी मृत्यु हो जाती है विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त शासन करता है। कुमारगुप्त जब सिंहासन पर बैठता है तो लगभग ये 40 वर्ष तक शासन करता है। तो काफी लंबा टाइम पीरियड ये शासन करता है। और ये उसी तरीके से शासन करता है जैसे कि इसके पूर्वजों ने किया था। सुसंगठित रहता है साम्राज्य, सुरक्षित रहता है। ये अश्वमेध यज्ञ भी करता है, स्वर्ण मुद्राएं भी चलाता है, मतलब सिक्के चलाता है जिन पर घोड़े की मूर्ति है, चंवर लिए हुए स्त्री खड़ी है। और इसने सिक्कों पर लिखवाया था अश्वमेध महेंद्र, ये इसने यहाँ पर उल्लेख कराया था। तो अगर कुमार गुप्त के पूरे नाम की हम बात करें तो कुमार गुप्त का पूरा नाम था कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, ये इसका पूरा नाम था महेंद्रादित्य, ठीक। तो इसने अपने सिक्कों पर क्या लिखवाया था, अश्वमेध महेंद्र। तो इससे पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब इसकी जो मुख्य बात यहाँ पर थी, इसका युद्ध होता है पुष्यमित्रों से। पुष्यमित्रों से युद्ध होता है जब कुमारगुप्त का शासन के अंतिम दिनों में गुप्त साम्राज्य पर बहुत संकट आ जाते हैं। यहाँ पर इस बात की पुष्टि भीतरी अभिलेख से भी होती है कि पुष्यमित्रों ने जब ये इस पर आक्रमण किया होता है तो उसके बाद स्कंदगुप्त ने इन्हें पूरे तरीके से पराजित कर दिया होता है, यानी कि उस आक्रमण का सामना करता है स्कंदगुप्त। और यहां से कहीं ना कहीं आक्रमणों की शुरुआत होने लगती है अगर गुप्त साम्राज्य को हम देखें। और अगर दूसरी दृष्टि से हम कहें, यहां से कहीं ना कहीं पतन की भी शुरुआत होने लगती है। आगे पढ़ेंगे कि पतन के कारण क्या थे। अब जब क्या होता है, इसी बीच जब यहाँ से जो राजलक्ष्मी कहा जाता है गुप्त काल से विचलित हो जाती हैं, उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए स्कंदगुप्त एक रात भूमि पर लेटकर बिताते हैं। इसी बीच क्या होता है, 455 में कुमारगुप्त की मृत्यु हो जाती है। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त शासन करता है। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र होता है। ये जब सिंहासन पर बैठता है तो इसे बहुत सारे युद्ध करने पड़ते हैं। इसी के टाइम में आक्रमण होता है हूणों का, ये प्रश्न पूछा जाता है। हूणों का आक्रमण होता है इसके टाइम में।
अब जब ये हूणों को हरा देता है, हूणों को हराने के बाद ये भी उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य की, ये पुनः विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ये प्रश्न भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब जब स्कंदगुप्त हूणों का सामना करता है तो युद्ध क्षेत्र में जब जाता है तो ऐसा विवरण मिलता है, यानी कि जो भीतरी स्तंभ लेख है उसमें कहा जाता है कि पृथ्वी कंपित हो उठी थी उसके बाहुबल से। तो इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि इस एक छोटे से वाक्य से पता चलता है कि जो स्कंदगुप्त है वो कितना वीर था, कितना साहसी था। इसका जो महत्वपूर्ण एक और कार्य है वो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाना। सुदर्शन झील जो स्कंदगुप्त है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, इससे संबंधित जीर्णोद्धार संबंधी प्रश्न पूछा जाता है। जीर्णोद्धार संबंधी जब प्रश्न पूछा जाता है तो पूछते हैं किसने कराया था, तो स्कंदगुप्त ने कराया था। इस बात का उल्लेख मिलता है जूनागढ़ शिलालेख से, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर ये बांध बनवाता है, झील के निर्माण का कार्य ये पर्णदत्त को सौंपता है और इस पर बहुत सारा धन भी व्यय होता है और यहीं पर ये एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जब से हम ये स्कंदगुप्त को शुरू कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है तो झील और ये मंदिर दोनों ही नष्ट होते चले जाते हैं। अब अगर इन आधारों पर हम स्कंदगुप्त के मूल्यांकन को देखें, जितना हमने पढ़ा इसमें कई प्रश्न बनते हैं, विष्णु मंदिर का निर्माण सुदर्शन झील के किनारे किसने कराया, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया, कार्य किसको सौंपा उसने, हूणों का आक्रमण किसके टाइम पर हुआ, तो इस तरीके से अब स्कंदगुप्त का अगर हम मूल्यांकन करें तो स्कंदगुप्त बहुत ही पराक्रमी था, योग्य था, वीर रस से भरा हुआ था और इतने अलौकिक गुणों से परिपूर्ण था कि राजलक्ष्मी इस पर मुग्ध हो जाती हैं और वापस आ जाती हैं। उनको खुश करने के लिए पूरी एक रात ये जमीन पर सोता है और उन्हें खुश करता है। भीतरी अभिलेख में उल्लेख है कि हूणों को जब ये पराजित करता है तो उसके बाद ये राजलक्ष्मी को मना लेता है। फिर आगे अगर हम बढ़ें तो पूरे शासन काल के अंतर्गत इसकी बुद्धिमत्तापूर्ण शासन से, इसके शौर्य से इतने व्यवस्था कर दी थी कि कम से कम 500 वर्षों तक इसने हूणों के आक्रमण से अपनी धरती को सुरक्षित कर लिया था। तो ये बहुत बड़ा काम था कि अगले 500 वर्षों तक ये इतनी महान सेवा अपने देश के लिए करके गया। अब बात करें अगर हम जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के पतन से संबंधित, तो गुप्त साम्राज्य का जो पतन है वो अचानक नहीं हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन की अगर प्रक्रिया को हम एक शब्द में डिवाइड करें तो गुप्त साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया क्रमिक थी, धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। जब स्कंदगुप्त के बाद बहुत सारे राजा बनते हैं, जैसे उसका सौतेला भाई पुरुगुप्त सिंहासन पर बैठता है, पुरुगुप्त लगभग 5 वर्ष तक सिंहासन करता है, उसके बाद नरसिंहगुप्त शासन पर बैठता है। उस सिंहासन पर जब वो बैठता है तो बालादित्य की उपाधि धारण करता है। नरसिंहगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठता है, उसके बाद बुद्धगुप्त बैठता है, भानुगुप्त बैठता है और लगभग जो ये शासन चलता है वो 230 वर्षों तक चलता है और उसके बाद गुप्त वंश का अंत हो जाता है। पहला कारण इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि क्रमिक प्रक्रिया थी, सबसे पहला कारण था कि बहुत ही विशाल साम्राज्य था और जब साम्राज्य बहुत विशाल होता है तो उसकी पूरे तरीके से देखरेख नहीं हो पाती और उसको संगठित करने के लिए सुयोग्य शासकों की जरूरत होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो उत्तराधिकारियों की श्रृंखला आती है स्कंदगुप्त के बाद, वो अयोग्य श्रृंखला आती है जो कहीं ना कहीं पतन में एक कड़ी का काम करती है और गुप्त साम्राज्य पतन की ओर बढ़ जाता है। दूसरा, अधिकार युद्ध शुरू हो जाता है, जैसे रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठता है और इसी तरीके से एक क्रम बनता है, जैसे चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को शासक नियुक्त कर देता है तो जो अन्य भाई होते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं अंदर ग्रह युद्ध जैसी स्थितियां बन जाती हैं जो गुप्त साम्राज्य को या गुप्त वंश को भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करती हैं। और लगातार बाहरी विरोध इनकी शक्ति को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे। हालांकि हूणों को पराजित कर दिया था स्कंदगुप्त ने, लेकिन बार बार जो कुछ जातियां थी वो बार बार आक्रमण करती थी, जिससे बार बार आक्रमणों की वजह से
532 ईस्वी में जो यशोधर्मा था वो अपने आप को स्वतंत्र मान लेता है, यानी कि स्वतंत्र हो भी जाता है वो, और एक बहुत बड़े भूभाग पे वो विजय प्राप्त कर लेता है। अब हूणों के अलावा पुष्यमित्र नाम की जातियां थी जिन्होंने स्कंदगुप्त के टाइम पर आक्रमण किया, हालांकि पुष्यमित्रों को स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। उसके बाद क्या होता है, जो सामंत होते हैं वो स्वेच्छाचारी नीति का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। पहले वो क्या करते थे कि कर भी अदा करते थे, और जो भूमिदान की प्रथा थी, गुप्त काल में सामंतवाद को तो बढ़ावा मिला ही था। अब ये क्या करते थे, धीरे धीरे जो उनके सामंत थे वो धीरे धीरे विद्रोह करने लगते थे, उस एरिया का अपने आप को राजा मानने लगते थे, स्वयं शासन उस क्षेत्र का अपने आप करते थे। लगभग स्वतंत्र रूप से अगर हम बात करें तो 500 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक सामंत में जो प्रसिद्ध सामंत थे उनमें थे मोखरी और उत्तर गुप्त, उधर थे गुप्त जो इन लोगों ने अपने आप को विजय घोषित कर दिया था और शासन अपने हाथ में कर लिया था। उधर बंगाल में भी गुप्त जो गुप्तों के हाथ से निकल गई थी सारी शासन व्यवस्था, गौड़ वंश ने अपने आप को स्वतंत्र स्थापित कर लिया था, यानी कि स्वतंत्र सत्ता उन्होंने बना ली थी। तो ये इस वजह से क्या हुआ, निरंतर बाहरी आक्रमण की वजह से ये साम्राज्य कहीं ना कहीं पतन की ओर बहुत तेजी से बढ़ गया। उसके बाद बौद्ध नीति का अनुसरण करना, बौद्ध नीति का अनुसरण करते हुए इन्होंने अहिंसा की नीति का भी अनुसरण किया, जिस वजह से इनकी जो आंतरिक शक्तियां थी, सैन्य संगठन था, वो आश्चर्यजनक रूप से कमजोर होता चला गया। तो अश्वमेध यज्ञों से अनुष्ठान भी किया, हालांकि इन्होंने वैदिक कर्म कांडों को भी ये मानते थे, लेकिन जो जैसे बालादित्य थे, नरसिंह गुप्त थे, इन्होंने बहुत धर्म को स्वीकार कर लिया था, जिस वजह से बाद के जो उत्तराधिकारी आए वो अहिंसा की नीति पर चले, और जिसका फायदा उठाया था आक्रमणकारियों ने। जिस वजह से इन सभी कारणों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि जो गुप्त साम्राज्य था एक दिन होने वाली घटना नहीं थी, या अचानक होने वाली कोई घटना नहीं थी कि गुप्त साम्राज्य जिसने इतने लंबे टाइम तक शासन किया वो अचानक खत्म हो गया या उसका अचानक पतन हो गया। ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी, और उसी क्रमिक प्रक्रिया के चलते ही जो ये गुप्त साम्राज्य है इसका पतन हो जाता है। लेकिन इन सब के होते हुए भी जो अगर हम कहें गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन जिम्मेदार थे, तो उसमें यशोधर्मा, मोखरी और उत्तर गुप्त, इन लोगों की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं इस पतन के लिए जिम्मेदार थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त काल के पूरे भाग को, पूरी शासन व्यवस्था को कम्युलेटिव वे से, कि किस आधार पर गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हम शासन व्यवस्था जानेंगे, हम हूणों के आक्रमण के विषय में जानेंगे, और भारत पर हूणों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साथ बने रहिएगा, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।